फिल्टर में हम आगे बढ़ते हैं, बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो इसमें हम देखते हैं, ये बटरवर्थ लो पास फिल्टर का सर्किट हो गया, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये इसके दो टर्मिनल हो गए, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। तो इस सर्किट से आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका इनपुट सिग्नल है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया गया है, जो आपका VN है वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज हो गया, एक RC सर्किट भी साथ में लगा दिया गया हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। ये जो RC नेटवर्क है आपका, इसको फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो R1 और RF जो फिल्टर के वो गेन के मान को निर्धारित करते हैं। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब क्या किया, सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने ये इसमें क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से जो V1 की वैल्यू आएगी, V1 इज इक्वल टू 1/jωC अपौन R प्लस 1/jωC इंटू VN। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू VN अपॉन 1+jωRC। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2π अप रख देंगे तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू VN अपॉन 1+j2πf इंटू RC। और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा V0 इज इक्वल टू 1+RF अपॉन R1 इंटू V1। अब V1 की वैल्यू उठा के V0 में रख देंगे तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1+RF अपॉन R1 इंटू VIN अपॉन 1+j2πf RC। अब इसको फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं तो V0 अपॉन VN इज इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन 1+jF अपॉन FH, जहाँ पे V0 अपॉन VN जो है वो आपका गेन ऑफ द फिल्टर है, ठीक है, और जो AF है उसकी वैल्यू है 1/RF/R। AF इज इक्वल टू जाएगा 1+RF/R1। AF क्या है, आपका पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर है, जो आपका फिल्टर का पास बैंड गेन है, ये 1+RF/R1 ये हो गया आपका AF। और जो F हो गई आपकी, वो हो गई जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। और जो FH है आपका, FH की वैल्यू है 1/2πRC, ये जो होगी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी फिल्टर की। तो इस तरह से हमने इस गेन का फॉर्मूला रीअरेंज किया है। तो गेन हो गया V0/VN इज इक्वल टू AF/1+jF/FH। अब हम क्या करेंगे, जो गेन आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो गेन का मैग्नीट्यूड से जाएगा तो मॉडुलस ऑफ V0/VN इज इक्वल टू AF/√1+F/FH का होल स्क्वायर। और फेज एंगल निकाल लेंगे तो फेज एंगल के लिए क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू V0/VN का एंगल जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी -tan−1F/FH होगा। अब हमको ग्राफ खींचने के लिए हमको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे पता होना चाहिए कि गेन कितना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जो बहुत कम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, तो बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के लिए डैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट सिग्नल के लिए है वो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, एफ इज लेस देन इक्वल टू FH। तो वो कम फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, कम फ्रीक्वेंसीज पे हमारा जो होगा F/FH है वो हमारा 1 से बहुत कम होगा। जब ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत कम होगी तो √1+F/FH का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के बराबर होगी। यदि ये 1 के बराबर हो गया तो जो गेन होगा मॉडुलस ऑफ V0/VN वो किसके बराबर हो जाएगा, AF के बराबर हो जाएगा। तो कम फ्रीक्वेंसी पे जो मॉडुलस होता है गेन का वो हमारा AF के बराबर होता है। अब दूसरी हम केस देखते हैं, जब हमारी जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो
एफएच के इक्विवेलेंट हो, एफएच की हमारे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे है। तो गेन देखते हैं कितना होगा, तो वी नॉट अपॉन वी इन क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन यहाँ पे एफ की जगह एफ एच रख देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी पूरी कितनी आ जाएगी, रूट टू। तो मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी एन इक्वल टू हो जाएगा ई एफ अपॉन रूट टू, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.707 ई एफ। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा गेन होता है उसकी वैल्यू है 0.707 ई एफ। हम तीसरा केस देखते हैं जब हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा हो, तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे तो एफ अपॉन एफ एच की जो वैल्यू होगी वो वन से बहुत ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा होगी तो अंडर रूट वन प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट एफ अपॉन एफ एच आएगी। ये जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एफ एच, और एफ अपॉन एफ एच जो है वो वन से बहुत ज़्यादा है, तो जो गेन होगा मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी एन वो ए एफ से बहुत कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू जो होगी वो ए एफ से कम होगी जो गेन आएगा। अब इसको ग्राफ से समझते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये एफ एच आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आपने देखा कि जीरो से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसीज पर ये कैसा है, लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है, और इसका जो वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू है ए एफ तक। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है और एफ एस से कम होती है तो हमारा जो वोल्टेज गेन होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू ए एफ आती है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कितनी वैल्यू है हमने नीचे निकाला था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू आती है 0.707 ए एफ आती है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इतनी वैल्यू हो गई। इसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हमारा जो वैल्यू जो गेन की जो वैल्यू है वो ए एफ से बहुत कम हो जाती है, तो ये जो वैल्यू देखिए आप ग्राफ से ए एफ से कम होती जा रही है। तो इस तरह ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि -20 dB पर डिकेड, जब आपका जो वोल्टेज गेन का ग्राफ है वो चेंज होता है तो उसमें -20 dB का डिकेड होने लगता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ग्राफ से कि जीरो से एफ एस तक की जो बैंड है वो पास बैंड है, और एफ एस से हाई फ्रिक्वेंसी तक का वो हमारा स्टॉप बैंड होगा, तो ये एक प्रकार का लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अब लो पास फिल्टर को डिजाइन कैसे करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला है कि सबसे पहले कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो एफ एच का है उसका मान सिलेक्ट करना होता है। दूसरा पॉइंट है जो सी का मान है वह लगभग 0.1 माइक्रोफेरेड या कम सेलेक्ट करते हैं। तीसरा है जो आर की वैल्यू है उसको एफ अपॉन 1/2 pi एफ एच इंटू सी से आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है पास बैंड पर जो आपका डिजायर्ड गेन प्राप्त करना होता है उसके लिए आर वन तथा आर एफ के मान का चयन करते हैं। तो कैसे करेंगे, ई एफ इक्वल टू 1/1 आर एफ अपॉन आर वन, इस फॉर्मूले से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर, अब पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो इसमें क्या, सेकेंड ऑर्डर जो बटरवर्थ फिल्टर में क्या होता है, जो स्टॉप बैंड का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो रोल ऑफ होता है वो 40 dB पर डिकेड की दर से होता है। फर्स्ट ऑर्डर में जो रोल ऑफ होता है वो 20 dB पर डिकेड होता है, और सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा 40 dB पर डिकेड की दर से होता है, अर्थात स्टॉप बैंड में जो गेन होता है 40 dB पर डिकेड की दर से घटता है। और सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर से बेहतर होता है, क्योंकि जो स्टॉप बैंड की रोल ऑफ जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर की उससे अधिक होता है।
सेकेंड ऑर्डर फिल्टर को फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में एक अतिरिक्त आरसी नेटवर्क संयोजन